एनआईए छापेमारी के बाद उपेंद्र की पत्नी ने एसएसपी से लगाई गुहार, कहा पति का माओवादी कनेक्शन नहीं। रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की पत्नी रूनी सिंह ने जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर अपने पति को बीएसएफ के अवकाश प्राप्त जवान पंकज सिंह नामक शख्स के द्वारा साजिश के तहत माओवादियों को हथियार सप्लाई एवं फंडिंग मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को एसएसपी संजीव कुमार को आवेदन देने के बाद मीडिया से बात करते हुए रूनी सिंह ने कहा कि एनआईए के द्वारा लगभग 14 घंटे तक उसके घर में छापेमारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान एनआईए ने एक लैपटॉप, 5 मोबाइल, सीसीटीवी का डीवीआर समेत कुछ अन्य चीजें जब्त कर उसके घर से ले गई। लेकिन अभियुक्त पंकज कुमार सिंह के द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और उसके पति को फंसाने की साजिश है। उसके पति उपेंद्र सिंह से पंकज ने एक लग्जरी कार खरीदने के लिए फोन किया था और इसी मामले में एक दो दफा उनसे उनकी बातें हुई, लेकिन माओवादियों को हथियार सप्लाई करने अथवा माओवादी फंडिंग से उसके पति का कोई ताल्लुकात नहीं है। वो लोग अपना ड्यूटी करने आए थे, उन लोग से हमको कोई भी नहीं हुआ। आप वो लोग जो बोले हम लोग पूरा कोऑपरेट किए, मेरे हस्बैंड भी कोऑपरेट किए सर्च के दौरान, वो जहाँ जहाँ बोले हम लोग पूरा उनका सहयोग किए हैं। बस हम यही मेरा मांग है, हम आप लोग के माध्यम से बस यही बोलना चाहते हैं कि पंकज सिंह जो मेरे हस्बैंड को फंसाने के लिए झूठा केस में जो उनका नाम ले रहा, मेरे हस्बैंड को उनसे कोई लेना देना नहीं। वो मेरे यार्ड में सिर्फ गाड़ी खरीदने आए थे। मेरे आपका आरोप है कि यह है कि गाड़ी खरीदने आए थे, लेकिन पंकज का है कि जो हथियार उसने खरीदा था वो उपेंद्र से ही खरीदा था, ये एनआईए के टीम के पास जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल गलत, सच्चाई बिल्कुल गलत है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। कौन सी गाड़ी खरीदने आए थे पंकज सिंह, अब कब आए थे? और देखिए वो जो काम करते हैं पूरा धनबाद है, पूरा यहाँ से बाहर बाहर लोग, और खुद एनआईए की टीम भी ये चीज पता कर चुकी है, उनका काम बाहर बिहार पटना मतलब हर जगह चलता है, बनारस भी, तो उनको इसे लेना देना। देखिए ये जो रेड हुआ है ये पूरे देश में तीन चार जगह, हाँ तीन चार जगह जवान उससे लिंक के आधार पर धनबाद पुलिस आई थी, और पंकज जो बिहार के रहने वाला है, मुजफ्फरपुर के रहने वाला है, उसने वो गाड़ी मेरे हस्बैंड से लेना चाहते थे, डेढ़ महीना बोले मेरे घर गाड़ी खरीदने आए थे और वो गाड़ी वो किसी और के नाम पे लेना चाह रहे थे। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं तुम अपने नाम पे लो और जब तक नाम ट्रांसफर नहीं होगा हम गाड़ी नहीं देंगे। पंकज क्या धनबाद में ले जाता है? पहले कोई मुलाकात हुआ था क्या? क्या भूली हुई उसका ठिकाना है पंकज का? सर नहीं पता, हम नहीं जानते, नहीं जानते। एक बार पता चला कि पंकज बिहार के मुजफ्फरपुर के है और भूली में ही रहता है। सर कोई भी पुराना संबंध में पति का उनसे नहीं रहा है, बस गाड़ी खरीदने आया था, उसी मैटर में दो बार उनसे मिले बात हुआ है बस। कितने महीना पहले? डेढ़ महीना पहले। कोई अग्रिम पैसा दिया था? देना 51,000 देना चाह रहे थे बट मेरे हस्बैंड लिए नहीं, बोले कि जब तक गाड़ी का नाम ट्रांसफर नहीं होगा हम कोई पैसा नहीं लेंगे। कौन सा गाड़ी लेना चाह रहे थे? XUV 500। तो पहले क्या फोन से कोई मुलाकात या कुछ नहीं? उनको कहीं से पता चला होगा, फिर वो आए मेरे यार्ड पे आए तो ऑफिस में आए, इनसे संपर्क किए, इनसे खरीदना चाह रहे थे। पंकज का कुछ गुड़िया उड़िया है आपके पास? मेरे पास तो नहीं, हम तो नहीं देखे। जैसे मैंने कभी आपके पति के मोबाइल वोबाइल चेक नहीं, मोबाइल फोटोग्राफ वगैरह गाड़ी लेने आया तो होता ना डॉक्यूमेंट खाती में हमको कंप्लीट करना, ये पेपर लगेगा वही पेपर लगेगा? नहीं सर नहीं, कोई भी नहीं है सब। कल एनआईए टीम में कितने लोग थे और क्या क्या आपके यहाँ से लेके गए हैं और सीजर में आपको क्या क्या दर्शा के गए हैं? एनआईए का 7-8 थे एनआईए का टीम, और सीजर में मेरे घर से 5 मोबाइल ले गए हैं, पर्सनल फोन जो मेरे पापा और लोग। क्या धनबाद में ले जाता है? पहले कोई मुलाकात हुआ था क्या? क्या भूली हुई उसका ठिकाना है पंकज का? सर नहीं पता, हम नहीं जानते, नहीं जानते। एक बार पता चला कि पंकज बिहार के मुजफ्फरपुर के है और भूली में ही रहता है। सर कोई भी पुराना संबंध में पति का उनसे नहीं रहा है, बस गाड़ी खरीदने आया था, उसी मैटर में दो बार उनसे मिले बात हुआ है बस। कितने महीना पहले? डेढ़ महीना पहले। कोई अग्रिम पैसा दिया था? देना 51,000 देना चाह रहे थे बट मेरे हस्बैंड लिए नहीं, बोले कि जब तक गाड़ी का नाम ट्रांसफर नहीं होगा हम कोई पैसा नहीं लेंगे। कौन सा गाड़ी लेना चाह रहे थे? XUV 500। तो पहले क्या फोन से कोई मुलाकात या कुछ नहीं? उनको कहीं से पता चला होगा, फिर वो आए मेरे यार्ड पे आए तो ऑफिस में आए, इनसे संपर्क किए, इनसे खरीदना चाह रहे थे। पंकज का कुछ गुड़िया उड़िया है आपके पास?
मेरे पास तो नहीं, हम तो नहीं देखे। राजेश अंबानी कभी आपके पति के मोबाइल वोबाइल चेक किया? नहीं नहीं, मोबाइल वोबाइल जब फोटोग्राफ वगैरह जैसे गाड़ी लेने आए तो एक होता ना डॉक्यूमेंट खाती में हमको कंप्लीट करना, ये पेपर लगेगा वो पेपर लगेगा। नहीं सर, नहीं कोई भी नहीं है सब। कल एनआईए टीम में कितने लोग थे और क्या क्या आपके यहाँ से लेके गए हैं? सीजर में आपको क्या क्या दर्शा के गए हैं? एनआईए का 7-8 थे एनआईए का टीम, और सीजर में मेरे घर से 5 मोबाइल ले गए हैं, पर्सनल फोन जो मेरे पापा और लोग के थे, और एक लैपटॉप ले गए हैं, DVR ले गए हैं एक, और कुछ पास 2 पासबुक और चेक कैंसिल चेक ले गए हैं। कोई तो, कैश उस भी? नहीं कैश कुछ नहीं ले गए। आप लोगों से क्या पूछताछ भी किए? नहीं हम लोग से कुछ पूछताछ नहीं किए, घर में बस सर्च कर रहे थे, घर से कुछ भी नहीं लिए। नहीं किसी को भी नहीं लिए हिरासत। छापेमारी के दौरान महिला को हिरासत में लिया? नहीं नहीं कोई महिला को, महिला मेरे घर में है कौन? उपेंद्र सिंह के अलावा और किसी से कोई पूछताछ? नहीं किसी से कोई पूछताछ नहीं, सिर्फ उन्हीं से पूछताछ करा था और किसी से नहीं। क्या बताएं, आने के बाद क्या बताएं? एनआईए की टीम आपको बोले कि आपके घर का सर्च वारंट है, हमको आपके घर में सर्च करना, हमको दिखाए भी, हम उनको घुसने दिए, हम उनको सर्च करने दिए। आखिर पंकज सिंह क्यों फंसा रहे हैं उपेंद्र सिंह को? क्या कोई पुराना दुश्मनी है या कोई जमीन से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड? ऐसा कुछ नहीं, और इतना हम जानते भी नहीं। हाँ बस गाड़ी को लेके मैटर है कि गाड़ी उनसे खरीदना चाहते थे और वो किसी और के नाम पे लेना चाहते थे, बस इसी मैटर पे दोनों पे थोड़ा सा होल्ड अप हुआ था, और उसी पे वो बोले कि जब तक गाड़ी का नाम ट्रांसफर नहीं होगा हम गाड़ी नहीं देंगे, मेरे हस्बैंड बोले उपेंद्र सिंह। ऐसे बताया जाता पंकज सिंह भूली के ही रहने वाला, आपका भी घर भूली के आसपास ही है, तो कोई पूरी पुराना परिचय? हम लोग उनसे कोई मुलाकात नहीं, हम लोग उनको नहीं। ठीक है, थैंक यू।